बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे हैं, जहां आज वो प्रेस वार्ता का आयोजन कर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर और रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान समेत कई मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। ये घड़ियालू आंसू बिहार के RJD और न बहाए और ना धमकी दे कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये घड़ियालू आंसू ना बहाए। अगर OBC तो क्यों उन्होंने महिला बिल को समर्थन दिया, क्यों कभी बिल फाड़े थे, आज बिल को समर्थन क्यों दिया? उनको मालूम था कि अगर मैं नहीं दूंगा तो भी महिला आरक्षण बिल पास मोदी जी करवाएंगे, इसीलिए समर्थन दिया। अब कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ईंट से ईंट बजाना है तो कांग्रेस का दामन क्यों थामा है? कांग्रेस क्यों नहीं संवैधानिक व्यवस्था की? संवैधानिक व्यवस्था केवल SC ST को ही है। जब तक नहीं होगा तब तक कहां से मिलेगा? ये घड़ियालू आंसू क्यों बहा रहे हैं? और बधाई दें मोदी जी को, धन्यवाद दें मोदी जी को कि मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। अब इसे जमीन पर उतारने का जब काम आएगा तो उसमें सब मिलके सहयोग करें। जयराम रमेश पार्लियामेंट को जो लोकतंत्र का मंदिर है उसे थिएटर कहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और हताशा कुछ नहीं होगा कांग्रेस का। दूसरा हताशा दिखता है जब से NIA INDA बना है, इंडिया गठबंधन, तब से ये हिंदुओं को समाप्त करने की बात होती है। हरियाणा में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नूह के घटना के क्रम में मोनू मानेसर को पकड़ा तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुस्लिमों को पकड़ा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, सूरज पर थूक फेंकने कोई फेंके तो खुद उसी व्यक्ति को थूक पड़ेगा, वो थूक सूरज को नहीं पड़ता है। मैं यही कांग्रेस को कहता। वहीं CM नीतीश कुमार को जदयू के द्वारा PM मटेरियल बताने पर मंत्री ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नेता मानेंगे तभी तो वो ख्वाब देखेंगे। पंजाब केसरी TV के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।